देन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस चैनल पे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, दैट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट बुद्धिज्म बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट बुद्धिज्म एंड इट्स टाइप्स एंड हाउ। अब देखते हैं बुद्धिज्म। सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं बुद्धिज्म। बुद्धिज्म बुद्धिज्म होता क्या है? अब भगवान को बुद्धिज्म का जनक माना जाता है और जैनिज्म का कई के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसके 16 तीर्थांकर थे, उसके जो फाउंडर थे उनका नाम था ऋषभनाथ, फिर उसके बाद आए परशुनाथ, उसके बाद जो 16वें तीर्थांकर थे जिसका नाम था हर्षवर्धन महावीरा। तो ये जैनिज्म भी हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को कैसे हिस्ट्री रिलेट करता है, अब इस 2 मिनट में देखते हैं कैसे एक हिस्ट्री एक दूसरे से रिपीट करता है। तो डोमिसाइड को कम करने, ब्राह्मणों के दबदबे को कम करने के लिए एक नए धर्म की स्थापना हुई जिसका नाम था बुद्धिज्म और जैनिज्म। अब देखिए धर्म ब्राह्मण करते क्या थे? ब्राह्मण करते एनिमल सेक्रीफाइस, मतलब जानवरों की बलि दिलवाते थे। आपने पुराने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि कोई अगर देवता रुष्ट हो जाते हैं तो ब्राह्मणों के पास लोग जाते थे और कहते थे कि देवी आपकी रुष्ट हो गई है, ये बलि चाहती हैं, किसी की खून की प्यासी है। तो लोग क्या करते थे, जानवर पशु इस टाइप की चीज़ों को लोग बलि देते थे, और जो ज़्यादा क्रूर तरीके से होते थे वो इंसान तक की बलि देने के लिए चार लोग तैयार हो जाते थे। तो इन दबदबों को कम करने के लिए बुद्धिज्म और जैनिज्म नए धर्म की शुरुआत हुई, यानी कि गौतम बुद्ध ने एक नए धर्म की स्थापना जिसका नाम था बुद्ध, और जैनिज्म में हर्षवर्धन महावीर, उसके बाद ऋषभनाथ परशुनाथ जितने भी तीर्थांकर थे उन्हें जैनिज्म की स्थापना की, और ये दोनों चीजें चलती रहती हैं। हम इस वीडियो में उनके माता पिता के नाम आप मैक्सिमम लोग आप जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम हल्का सा उसका आउटलुक दे देंगे कि ये कितने वर्ष में ये अपने घर पे रहे, कितने वर्ष में अपने घर को छोड़ दें, इनकी वैवाहिक स्थिति क्या थी, इनकी माता कौन थे, इनके पिता कौन थे। उसके बाद जो एक्चुअल बुद्धिज्म है, जैसे आपका काउंसिल कौन कौन सी काउंसिल्स हुई थी बुद्धिज्म की, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक है जिसमें बुद्धिज्म के बारे में बताया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में एग्जाम में पूछता है। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि उनके माता पिता का क्या नाम था, वो कहाँ ज्ञान प्राप्त किए, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो छोटे बच्चों के क्लासेस में रहती हैं। तो आपको लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन सब चीज़ों को पूछेगा, लेकिन इस वीडियो में आपको हर चीज अच्छे से समझ में आए, इसलिए उसके बारे में मैं एक फोकस बना रहा हूं आपके लिए ताकि आप उसको समझ सकें। हम इनके जीवन साइकिल के बारे में देखते हैं, लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं, कहां पैदे हुए, इनके माता पिता कौन थे, इनकी वाइफ कौन थी और इनके बेटे का क्या नाम था। एक छोटा सा आउटलुक है समझने के लिए ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए इस कहानी में कौन कौन से किरदार। देखिए इनका जन्म हुआ 563 BC लुम्बिनी, जो कि नेपाल में पड़ता है, इनका जन्म हुआ, आप ये याद रख सकते हैं। इनके फादर का नाम था सुशोधन, इनके फादर का क्या नाम था सुशोधन, जो कि एक सक्या रूलर थे। जब हम सक्या डायनेस्टी पढ़ेंगे, जब हम सक्या डायनेस्टी पढ़ेंगे तब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि सुशोधन कौन थे। इनके मदर का नाम था महामाया, इनकी मदर का नाम था महामाया, और ये मर गई बुद्ध के 7 दिन के बाद। जब उनका जन्म, बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही महामाया का निधन हो गया, यानी कि डेड आफ्टर 7 डे ऑफ बुद्ध इज बर्न। महामाया जो उनकी माँ थी, इनके 7 दिन पैदा होने के बाद ये महामाया की डेथ हो गई। उसके बाद इनके स्टेप मॉम थे जिसका नाम था गौतमी। गौतमी कौन थी? इनकी स्टेप मानी कि सौतेली माँ थी, राजा ने कई सारे विवाह किए थे तो उनकी जो सौतेली माँ थी गौतमी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। तो आप याद रखिए कि बुद्ध की जो माता थी वो उनके जन्म के 7 दिन बाद ही मर गई, जिसका नाम था महामाया, और उनकी जो स्टेप मॉम थी सौतेली माँ थी उनका नाम था गौतमी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। इनकी शादी हो गई 16 वर्ष की आयु में, यानी कि 16 साल की उम्र में इनकी शादी हुई। इनकी शादी हुई किससे? यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा से इनकी शादी 16 वर्ष की हो गई, और इनका एक लड़का हुआ जिसका नाम था राहुला, या राहुल कहें या राहुला करें। तो हमने देखा क्या, इनके पिता का नाम था सुशोधन, इनकी माता का नाम था महामाया, इनकी माता 7 दिनों के पैदा करने के बाद उनका निधन हो गया, और इनका पालन पोषण इनकी स्टेप मॉम यानी कि सौतेली माँ गौतमी ने किया। इनकी वाइफ का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम था राहुल।
और इनकी जो शादी हुई थी 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी। और ये घर जब त्यागे तो उनकी उम्र क्या थी, 29 ईयर्स। 29 साल की उम्र के बाद इन्होंने अपने घर को त्याग दिया। तो इन्होंने 13 वर्ष तक, यानी कि 16 से 29, 13 वर्ष तक इन्होंने क्या किया, अपने वैवाहिक जीवन का सदुपयोग किया, अपने पुत्र को प्राप्त किया और उसके बाद अपने राज्यकार्य को संभाले। आप सभी लोग जानते हैं कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे उनको लगा कि ये सब मोह माया है जो दुनिया में चल रहा है। आपने ये कहानी पढ़ी होगी कि वो अपने मंत्री के साथ एक जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने एक लाश को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा, तो उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। जो कि ये एक राजा के लड़के थे, तो ज्यादातर टाइम ये राजा के महल में ही रहते थे और उनको हर वो सुख सुविधाएं मिलती थी जो एक अच्छे व्यक्ति या अच्छे पिता द्वारा अपने पुत्र को दिया जा सकता था। तो दुनिया के कष्ट को इन्होंने कभी देखा नहीं था। इन्होंने पहली बार जब अपने राज्य से बाहर, अपने महल से बाहर निकले, तो दुनिया के बारे में जाना कि कौन कौन सी पीड़ाएं और किस तबके के व्यक्ति रहते हैं किस किस समाज में। तब उन्होंने देखा कि दुनिया में बहुत सारे कष्ट हैं और इन सब कष्टों को निवारण के लिए कुछ ज्ञान की प्राप्ति होना बहुत जरूरी है। तब उन्होंने अपने 29 वर्ष की आयु में अपने घर को छोड़ दिया और 6 वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे। 6 वर्ष भटकने के बाद इन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे सारनाथ में अपने ज्ञान की प्राप्ति की। तब उसके बाद इन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की, अपने प्रचार प्रसार किए और इसी में इन्होंने सभाएं की। और उनकी 4 सभाएं, 4 काउंसिल्स हैं। इसके बारे में जाए पूछता है कि बताइए ये काउंसिल किसने कंडक्ट कराई, उस समय इसकी कैपिटल क्या थी और इसको प्रिसाइड किसने किया। तो अगर आप ये नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। तो ये था एट उनके लाइफ स्टाइल के बारे में कि कैसे जन्म हुआ, माता पिता कौन थे, कौन सी वाइफ थी, कैसे कैसे उन्होंने जीवन को जिया और कैसे वो स्पिरिचुअल यानी कि धार्मिक पद पे चले। तो ये था इनके जीवन के बारे में। अब हम उनके काउंसिल्स के बारे में देखते हैं कौन कौन सी और चीजें आई, क्या क्या उन्होंने अपने समाज के लिए दिया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिंग्स थी जिसको कहा कि इनको फोकस करना चाहिए, इंसान को कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, इंसान के जीवन में कौन कौन से बदलाव किए जाए ताकि वो उनके थॉट प्रोसेस और सोचने के तरीके और समाज को बदलने में उनको मदद मिले। तब तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा। तो हम देखते हैं बुद्ध के कुछ धम्मा के बारे में। सबसे पहले समझते हैं धम्मा शब्द का मतलब क्या होता है। धम्मा शब्द का मतलब होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे संबंध से अच्छे से रह सके, यानी कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से ऐसा संबंध बनाया जाए ताकि वो अच्छे से रह सके। तो ये जो 4 धम्माज हैं बुद्धिज्म के, बुद्ध भगवान ने जिसको दिया था, इसके बारे में हम देखते हैं। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो एंड मर्सी। जो पूरा संसार है वो दुखों से भरा पड़ा है। इन्होंने अपने बताए धम्मिक में कि जो पूरा संसार है वो दुखों से भरा पड़ा है। दूसरा है द कॉज ऑफ ऑल द पेन एंड मर्सी इज डिजायर। और दुनिया में इतने दुख और दर्द है इसका एक ही कारण है, डिजायर यानी कि लोगों की इच्छाएं। इच्छाएं ही लोगों को उनके दुख और दर्द का कारण बनाती है। दूसरा पेन एंड मर्सी कैन बी इंडेड बाई किलिंग और कंट्रोलिंग डिजायर, यानी कि दुख और दर्द को मारा जा सकता है या उसको कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे, अपने डिजायर को कंट्रोल करके या उसको मार के, यानी कि इच्छाएं इंसान की अनंत होती हैं। अगर किसी के पास साइकिल है तो वो मोटरसाइकिल की इच्छा रखता है, अगर किसी के पास मोटरसाइकिल है तो वो कार की इच्छा रखता है, अगर किसी के पास कार है तो वो अच्छी लग्जरी कार की इच्छा रखता है। तो इंसान की जो इच्छाएं होती हैं वो कभी खत्म नहीं होती हैं। तो उन्होंने कहा कि पूरे दुनिया में जितने भी दुख और दर्द के कारण है वो क्या है, इच्छाएं हैं, और या तो इच्छाओं को मार दो या इच्छाओं पे काबू पाओ यानी कि उस पर कंट्रोल पाओ। और उन्हें क्या, या डिजायर्स कैन बी कंट्रोल बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ। और उन्हें 8 रास्ते बताए थे जैसे डिजायर को कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए धम्मा क्या है, धम्मा एक है कि एक व्यक्ति को कैसे सुख और सुविधाओं, सुख तरीके से एक दूसरे व्यक्ति के साथ रहा जा सके। दुनिया में सभी लोगों पे हावी दुख है, मतलब पूरा दुनिया दुख से भरा पड़ा है और दुख का कारण क्या है, लोगों की डिजायर। और लोगों को डिजायर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उनके दुख को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए आप अपने डिजायर यानी कि इच्छाओं को या तो मार दीजिए, बिना इच्छा के हो जाइए, या अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके रखिए। और इन सब चीजों से बचने के लिए उन्होंने 8 फोल्ड पाथ यानी कि 8 रास्ते बताए। अब हम उन रास्तों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी रास्ते थे। आई होप आपको धम्मा के बारे में समझ में आ गया। अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर आप इसका नोट बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। हम जानते
करते हैं कि ये चैनल का नाम है ऑपरेशन एफजीएस। हम एक एक परत को ऑपरेशन करते हैं और निकालते हैं आपके लिए ताकि आपको समझने में अच्छा हो। इस टॉपिक में कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं जिसको आपको रखना पड़े। आपने बुद्धिज्म के बारे में जाना, क्योंकि उसका क्यों उत्सर्ग हुआ, क्यों उसका दुनिया में उनका प्रचार प्रसार कैसे स्टार्ट हुआ, अपने गौतम बुद्ध के लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया कि कैसे, थोड़ा बहुत मतलब आपने मैक्सिमम जाना कि उनकी लाइफ साइकिल कैसे चली। उसके बाद उन्होंने धम्मा के बारे में दिया। अब धम्मा के बाद आप देखेंगे आठ फोल्ड पाथ कौन से थे, उसके बारे में हम और आगे डिस्कस करते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एट फोल्ड पाथ ऑफ द बुद्धिज्म, यानी कि आठ वो रास्ते जिससे व्यक्ति को मोह माया या दुख दर्द से छुट्टी मिल सकती है या उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछता है कि बताइए कि इसमें कौन से जो एट धम्मा है, इसमें कौन कौन से ऐसे धम्मा है जो बुद्धिज्म में इनका वर्णन किया गया है, तो आप इसको जरूर से नोट कर सकते हैं। आप इसकी सॉल्व लेना चाहे तो ये भी ले सकते हैं। तो देखिए, राइट ऑब्जर्वेशन, सही तरीके से ऑब्जर्व करना होना कोई व्यक्ति को होना चाहिए, उसका दिमाग कितना खुला हो कि वो सही सही चीजों को ऑब्जर्व करे। राइट एक्शन, एक सही तरीके से काम करे, एक सही डायरेक्शन में, सही व्यक्ति के अंडर में काम करे ताकि वो भटके ना और अपने लक्ष्य के तरफ आगे बढ़ते रहे। राइट डिटर्मिनेशन मतलब एक दृढ़ इच्छा हो किसी व्यक्ति को किसी जगह पे पहुंचने के लिए। और या राइट स्पीच यानी कि अच्छी भाषा शैली, या स्पीच का मतलब है भाषा शैली, वो कैसे दूसरों से कम्युनिकेट करता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस व्यक्ति को भी डिपेंड करता है कि वो अपने रहने वाले आसपास समाज में उसका कैसा व्यवहार है, कैसे बातचीत लोगों से करता है। राइट लेवलीहुड मतलब वो किस जगह पे रहता है, संगत का असर जरूर पड़ता है, तो एक अच्छी संगत हो ताकि आपका मनोविज्ञान, आपका दिमाग विकसित हो सके। राइट एक्सरसाइज मतलब एक सही तरीके से आप एक्सरसाइज व्यायाम कीजिए। राइट मेमोरी यानी कि एक सही मस्तिष्क हो, सही मस्तिष्क का होने का मतलब है एक सही दिमाग हो, खुला दिमाग हो, बंद दिमाग ना हो कि जो भी कुछ बोल रहा है उसको आपको दिमाग में फीड होता जा रहा है, चाहे वो अच्छा हो और बुरा हो, आपसे इससे प्रभाव नहीं पड़ता है। ताकि कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है, किसी घटना के बारे में कोई जानकारी दे रहा है, तो आपका दिमाग खुला हो कि अपने दिमाग से सोच सकें कि ये व्यक्ति सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, या अपने मत से उसका क्या रुझान हो सकता है, इसके लिए आपका दिमाग खुला हो। राइट मेडिटेशन मतलब एक सही मेडिटेशन यानी कि आपका योग में यानी कि ध्यान में आपका विश्वास हो, तो इन सभी चीजों को, आठों चीजों को आप मिलाएंगे तो एक अच्छे से और मजबूत मस्तिष्क का निर्माण होगा और एक अच्छे वक्त का निर्माण होगा, जो कि बुद्धिज्म ने अपने एट फोल्ड पाथ के बारे में बताया है। तो ये थे आपको एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं काउंसिल्स के बारे में, बुद्धिस्ट काउंसिल। ये एग्जाम मैच द फॉरन में कई बार आ चुका है, 2018, 2019, 2022, CDS, EPF, NDA, APCAT सारे एग्जाम्स में आ चुका है मैच द फॉरन की कौन कौन सी काउंसिल्स कब हुई थी, इसका डेट, और उसके बाद कौन कौन सी प्लेस पे हुई थी, कौन किंग थे और कौन उसको प्रिसाइड किया था। यानी कि जो मेन चीजें है, कौन प्लेस है, कौन सी प्लेस पे हुआ था, यानी कि जगह कौन सी थी, उस समय किंग कौन था और इसको प्रिसाइड यानी कि इसको करवाया किसने था। तो अब इस जगह पे अब देखते हैं इसको बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। उससे पहले देखते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल होती क्या है। बुद्धिस्ट काउंसिल का मतलब होता है कि किसी बुद्धिस्ट ज्ञान को जगह जगह पे प्रचार प्रसार किया जाए, यानी कि लोगों में बैठा के अपने धर्म के बारे में बताया जाए। तो ऐसे बुद्ध की चार काउंसिल हुई थी। तो अभी हम इसके फर्स्ट काउंसिल के बारे में देखते हैं कौन कौन सी जगह पे हुई थी। तो देखिए, फर्स्ट काउंसिल जो हुई थी वो राजगृह यानी कि बिहार में एक जगह है राजगृह, उसमें फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, आप ये नोट कर सकते हैं। और हुआ था 483 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, 483 BC में राजगृह जो कि बिहार में है उस पे, वहां पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। उसके जो किंग का नाम था, उसका नाम था अजातशत्रु। उसके किंग का क्या नाम था, अजातशत्रु। हमने हरियाणा का डायनेस्टी में पढ़ा था अजातशत्रु के बारे में, तो ये वही का था। उसके बाद जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होगी वो शिशुनाग डायनेस्टी का जो सेकेंड किंग था, उसका क्या नाम था बताइए, शिशुनाग डायनेस्टी के सेकेंड किंग का क्या नाम था, अभी हम उसको आगे देखेंगे। उसके बाद इसको प्रिसाइड किया था महाकश्यप ने, इसको प्रिसाइड किया था। और देखिए, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में एक बुक है जिसका नाम है जत्तस, इसका नाम है जत्तस। एक बुक है जत्तस जो बुद्ध के जन्म के बारे में बताता है, क्या बताता है, ये बुद्ध के बॉर्न, बुद्ध के जन्म के बारे में बताता है, जिसका नाम है जत्तस। ये बुक 2018 CDS का PYQ है। जत्तस बुक किसके जन्म के बारे में बताता है, तो जत्तस बुक बुद्ध भगवान के यानी कि बुद्ध के महावीर
बुद्ध के जन्म के बारे में ये बुक लिखी गई है। उसके बाद एक और बुक आती है, उसके बारे में हम देखते हैं, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट बुद्ध काउंसिल में एक बुक आई जिसका नाम था त्रिपिटका। इसका नाम था त्रिपिटका। तीन किताबों का संग्रह था और देखते हैं उसमें कौन कौन सी किताबें थी। एक का नाम था सूत पिटका, सूत पिटका, विनय पिटका, और तीसरे का नाम था अभिनय, अभिनय पिटका। तो इसको भी याद रखिए कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में तीन रिचुअल्स बुक आई जिसका एक मिलाकर त्रिपिटका नाम दिया गया, और जो इंडिविजुअल उसके नाम थे सत्व पिटका, सूत पिटका, विनय पिटका और अभिनय पिटका। ये दोनों एग्जाम्स में पूछ चुकी है कि जबतक बुक किसके बारे में बताया गया और त्रिपिटका के कौन कौन से बुक्स हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। प्लेस राजगृह, किंग था अजात शत्रु और महाकश्यप ने उसको प्रिसाइड किया था। ये 483 BC में हुआ था। तो ये था आपका फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। अगर इसको नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए। अब हम देखते हैं सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब और कहाँ हुई थी उसके, और राजा कौन थे। देखिए, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का जो प्लेस था वो हुआ था वैशाली, जो कि है आपका बिहार में। ये देखिए, ये इसका प्लेस है, इसके किंग कौन थे और इसको प्रिसाइड किसने किया था। तो प्लेस तो था वैशाली और इसको किया था कालाशोका ने। हमने हरियाणा डायनेस्टी में पढ़ा था कि अजात शत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट कराई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको जाके दे सकते हैं। हरियाणा डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंग डायनेस्टी। उसके बाद आपका हरियाणा डायनेस्टी के बाद आता है आपका शिशुनाग डायनेस्टी, जिसका जो फाउंडर था उसका नाम शिशुनाग था और उसका बेटा आया कालाशोका। इसने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट कराई थी। देखिए, इसने क्या किया, कालाशोका ने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट कराई और उसका जो प्रिसाइड किया था, इसको किसने करवाया था, उसका नाम था सबकामी। तो आप याद रखिए, वैशाली में हुआ था, कालाशोका ने किसका किंग था और प्रिसाइडेड बाय सबकामी। तो ये था हमारा सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। अब हम देखते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी। देखिए, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 250 BC में हुई थी, 250 BC में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। इसका जो प्लेस था पाटलिपुत्र, यानी कि पटना में, पाटलिपुत्र उसका पुराना नाम था। इसके जो किंग का नाम था उसका नाम था अशोका। अशोका कौन था, ये था चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का अशोका। अशोका द ग्रेट आपके बारे में सुना होगा, अशोका के बारे में, उसका आपने कलिंग के युद्ध के बारे में सुना होगा, जो कि हम अब आने वाले वीडियो में जो मौर्य एम्पायर है उसमें पढ़ेंगे। और इसको प्रिसाइड किया था मगलिपुत्र तिस्सान, इसको प्रिसाइड किया था। आप इसको याद रखिए कि पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका जो किंग उस समय का था उसका नाम था अशोक था और मगलिपुत्र तिस्सा ने इसको प्रिसाइड किया था। ये हुआ कब था, 250 BC में। तो ये था हमारा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। अब हम देखते हैं हमारे लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी कि चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में अब हम देखते हैं। अब अपने लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को देखते हैं, जो कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ये हुआ कब था, 72 AD में हुआ था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। इसका जो प्लेस था इसका नाम था कुंडलुना, जो कि कश्मीर में पड़ता है। इसके किंग का क्या नाम था, कनिष्का। आप याद रखिए कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को कंडक्ट करा था कनिष्का ने और उसको प्रिसाइड किसने किया था, विश्वामित्र ने इसको प्रिसाइड किया था। तो ये आपको चारों दे देगा कि देख, एक तरफ देखिए प्लेस दे देगा, उसके बाद उसके किंग का नाम दे देगा, आपको बोलेगा मैच द फॉलोइंग कीजिए, यानी कि मैच कराइए। उसके बाद किसी प्लेस और किंग को दे देगा, किंग और प्रिसाइडर को दे देगा कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कब और कैसे करवाई थी। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। तो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पढ़ा। बुद्धिज्म और जैनिज्म से मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। अगर बुद्धिज्म की बात करें तो काउंसिल को लेकर आते हैं कि कौन से किंग ने प्रिसाइड किया, कब प्रिसाइड किया, उस समय उसका प्लेस कौन था, मॉडर्न टाइम में कौन सा प्लेस है और एंशियंट टाइम में कौन सा प्लेट है। उसके बाद क्या हुआ, बुद्धिज्म, बुद्ध के जन्म, बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्धिज्म दो हिस्सों में टूट गया। क्या हुआ बुद्धिज्म, अगर बुद्धिज्म दो हिस्सों में टूट गया तो अब देखते हैं बुद्धिज्म दो हिस्सों में कैसे टूटा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बुद्धिज्म, माने कि बुद्धिज्म दो हिस्से में डिवाइड हुआ, कि बुद्धिज्म कैसे दो हिस्सों में डिवाइड है और उनके क्या क्या नाम थे। तो देखिए, फर्स्ट का नाम है महायान बुद्धिज्म और सेकंड का नाम है हीनयान बुद्धिज्म। बुद्धिज्म कितने टाइप के हो गए, अब बुद्धिज्म दो टाइप के, एक महायान बुद्धिज्म, एक हीनयान बुद्धिज्म। देखिए, महायान बुद्धिज्म ऐसे लोग बुद्धिज्म को मानते थे जो मानते थे कि ये क्या थे, गॉड है, यानी कि जो बुद्ध है ये क्या है, भगवान के अवतार होकर धरती पे आए थे। ऐसे बुद्धिज्म के दो फॉलोअर्स हो गए। देखिए, एक को
जो मानता था जो बुद्धिज्म है वो भगवान है, और जो दूसरे मानते थे वो है एक टीचर। क्या थे? टीचर। जो लोग फॉलो करते हैं वो बुद्ध को भगवान मानते हैं, और हीनयान बुद्धिज्म में जो बुद्ध को फॉलो करते हैं वो बुद्ध को एज अ शिक्षक यानी कि टीचर बताए, जो धरती पे आए और अपनी ज्ञान की प्राप्ति से लोगों में अपना ज्ञान फैलाए और अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार किया। ये जो लोग थे ये आइडियल वर्शिप, आइडियल ये आइडियल वर्शिप करते थे, और दे डू नॉट डोंट बिलीव इन आइडियल वर्शिप। ये भगवान की मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, यानी कि कुछ बुद्धिज्म बुद्धिस्ट कुछ ऐसे हैं जो भगवान की मूर्ति को यानी कि बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिसको आइडियल वर्शिप नहीं मानते, उसको बस टीचर मानते हैं। तो ये देखिए बुद्धिज्म दो हिस्सों में टूटा, जिसका नाम था हीनयान बुद्धिज्म और हीनयान बुद्धिज्म। एक वो है जो बुद्ध को भगवान मानते हैं, दूसरे वो है जो बुद्ध को टीचर मानते हैं। एक वो है जो आइडियल वर्शिप में विश्वास रखते हैं, एक दूसरे वो है जो डोंट बिलीव इन आइडियल वर्शिप। अब हम देखते हैं बुद्धिज्म कैसे डिक्लाइन, यानी कि बुद्धिज्म का धीरे धीरे भारत में अस्तित्व कैसे घटता गया। अब अभी भी मानते हैं कि जो चाइना है, इंडोनेशिया है, जापान है, इन सभी कंट्रीज में बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता था, लेकिन जो बुद्धिज्म का जहां जनक हुआ इंडिया में, वहां बुद्धिज्म उतना क्यों नहीं पनप पाया जितना अन्य कंट्री में पनपा। तो इसके डिक्लाइन के बारे में समझते हैं। हमने बुद्धिज्म के देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो, बुद्धिज्म को हमने कैसे शुरुआत की, कैसे जन्म हुआ, कैसे उसके काउंसिल ने कौन कंडक्ट कराया, कैसे देखिए बुद्धिज्म कैसे हरियाणा डायनेस्टी, सिसुनांग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी कैसे डिपेंडेंट है। अगर आप उस वीडियो का नहीं देखें, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके देखिए कि उसके किंग्स ने कैसे कैसे कंडक्ट कराया। अगर आप उसको आप पढ़े रहेंगे, सोचिए आपको ये रखना नहीं पड़ेगा बट आपको समझना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसके डिक्लाइन कि बुद्धिज्म कैसे डिक्लाइन हुआ भारत में। अब हम देखते हैं कि बुद्धिज्म क्यों डिक्लाइन हुआ, कॉजेस क्या थे, कारण क्या थे बुद्धिज्म के डिक्लाइन होने की भारत में। तो सबसे पहले देखें जो उनकी लैंग्वेज थी, देखिए लैंग्वेज क्या थी, वो पाली लैंग्वेज थी। क्या थी उनकी? पाली लैंग्वेज। तो जाहिर सी बात है उसमें जो टेक्स्ट होते थे वो मैक्सिमम पाली लैंग्वेज में होते थे, और हिंदुस्तान यानी कि भारत में मैक्सिमम लोग हिंदू थे जो कि हिंदी को फॉलो करते थे। तो सबसे पहला कारण ये बना उनकी पाली लैंग्वेज होने के कारण। दूसरा ये पड़ा कि उस समय हिंदुज्म में संस्कृत क्या थी, संस्कृत जो संस्कृत भाषा थी इसका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो रहा था भारत में। संस्कृत जो लैंग्वेज थी इसका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो रहा था, और पाली का उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जो हिंदुज्म था, सनातनी जो धर्म था, वो बहुत पुराना धर्म था और उसके फॉलोअर ज्यादा थे, और जो बुद्धिज्म था ये एक नया जन्म, नया लैंग्वेज और नया लेकर इन्होंने एक नए प्रसार प्रसार की जो कि वो सनातनी यानी कि हिंदू धर्म को ओवरटेक नहीं कर पाया। दूसरी बात ये थी कि इन्होंने इन्होंने क्या किया, महिलाओं को, वोमेन्स को मठ में जाने की इजाजत दे दी। सबसे पहले बुद्धिज्म में मठ में सिर्फ पुरुष जा सकते थे, महिलाओं को जाने का अधिकार नहीं था। उसके बाद कई सारे प्रोटेस्ट हुए उस जमाने में, उन्होंने बुद्धिज्म बुद्ध भगवान से कहा कि आप लोग महिलाओं को जाने की आजादी दें। तो उन्होंने जब ये कहा कि आप महिलाओं को जाने से आजादी क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने बहुत एक अच्छा उदाहरण दिया कि महिलाओं को आजादी क्यों नहीं है मठ में जाने के लिए। उन्होंने कहा कि महिलाएं जो होती है वो शक्ति का प्रतीक होती हैं और वो पुरुषों को आकर्षित करती हैं। जाहिर सी बात है अगर कोई व्यक्ति बैठ के ध्यान कर रहा है तब तक बगल में पायल और कंगन की खनकार आएगी, तो जाहिर सी बात है इंसान का ध्यान भटकेगा। तो इसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए बुद्धिज्म में वुमेन्स को जाने का अधिकार दे दिया ताकि उनके जो फॉलोअर्स थे वो बढ़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसके कारण बुद्धिज्म और डिक्लाइन होते रहा। इसके कुछ और कारण थे जैसे जो कई सारे हिंदू राजा पे ऊपर कई सारे अटैक्स हुए, दो और कई सारे राजाओं ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई सारी और नीतियां अपनाई, जो कि ये कुछ कारण थे डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म यानी कि बुद्धिज्म का भारत में डिक्लाइन होने के कारण। तो ये था पूरा बुद्धिज्म के बारे में, उसके हमने बुद्धिज्म के लाइफ के बारे में पढ़ा, बुद्धिज्म क्यों आया, उनके सर लाइफ फादर्स मदर्स और उनके वाइफ्स के बारे में पढ़ा, कौन सी एज में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, क्यों छोड़ा, कौन कौन से काउंसिल थे, एट पाथ क्या थे, राइट वे कौन था, हमने इस वीडियो में उनके बारे में सब कुछ पढ़ लिया विथ नोट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।